अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोफ्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मैं आज वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रेड मीट है, इसको मैंने हाथ का कुटा हुआ मंगवा लिया था, उसके बाद घर के अंदर ग्राइंडर में, मिक्सर ग्राइंडर में इसको एक बार निकाल लिया, तो ये काफ़ी बारीक सा हो जाता है और इसी फॉर्म में हमें चाहिए होता है। अब यहाँ पर मैंने चने और खसखस जो है ना वो एक एक चम्मच लेके उसका पाउडर बना लिया था। और भी यहाँ पर मैं कुछ ड्राई मसाले डालूंगी, जैसे कि मैंने अभी इसके अंदर डाला है ज़ीरा पाउडर, और नमक शामिल करूंगी। और वहाँ पर मैंने जो चॉपर में ना हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, लहसुन और प्याज ये चॉप कर लिया था। तो बारीक बारीक चॉप करना है, आप चाहो तो हाथ से काट के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, मैंने चॉपर में कर लिया था। ईजी हो जाता है क्योंकि आपके जो मीट बॉल्स हैं ना वो फटते नहीं हैं फिर। तो बस इसको अच्छे तरीके से, हाँ, इसका अगर आप लोगों के कोफ्ते फट जाते हैं तो उसके अंदर आप एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लीजिएगा, उससे आपके कोफ्ते कभी भी नहीं फटेंगे और काफ़ी सॉफ्ट से बनेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल, आप लोगों को पता है मैं सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ, तो वो इसके अंदर मैंने डाल लिया है। हाथ मेरे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ थे, ऑब्वियस सी बात है जब आप कुकिंग करने जाते हो तो दिन में पता नहीं कितनी बार आपके हाथ धुलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं बस हाथों की मदद से उसको अच्छे तरीके से बैटर में मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो, मैंने कटा हुआ सारा कुछ महीन महीन चॉप कर लिया था ना, तो एकदम चिकने कोफ्ते बनेंगे, उससे कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से बनाने के बाद मैं फिर इसके अंदर छोटे छोटे पोर्शन में मीट बॉल्स बना लूँगी, बॉल्स का शेप दे दूँगी क्योंकि कोफ्ता शेप हमें देनी है। साइज़ आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैं छोटे छोटे साइज़ रखूँगी क्योंकि बच्चे जो है ना वो वेस्ट कर देते हैं, ताकि एक कोफ्ता तो एटलीस्ट वो खा सकें। हालाँकि मेरे बच्चे जो है ना इसमें कोफ्ता नहीं खाते हैं, अल्फिया तो बिल्कुल भी नहीं खाती है, ना थोड़ा बहुत खाती है, बाकी मुझे इसके अंदर आलू ऐड करना पड़ता है तो बच्चे फिर तरी और आलू से खा लेते हैं। हाल हस्बैंड को बहुत पसंद है और अनु के भी मोस्ट फेवरेट हैं ये कोफ्ते आलू का सालन। तो बस यहाँ पर मैं कोफ्ते आलू का सालन बना रही हूँ, घर पे भी भेजूँगी क्योंकि भाभी नहीं है, भाभी अपने मैके गई हुई हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो कोफ्ते आलू का सालन है तो थोड़ा अनु को भी मिल जाएगा और मम्मी पापा भी शौक से खा लेंगे। अनु वहाँ पर बना रहे हैं दाल मखनी, तो उसने कहा जी मेरे को ये वाला सालन आप देना, हालाँकि मैंने तो उसको बोला था कि तुम यहीं पे आके खाना खा लेना, तो उसने कहा नहीं कोई नहीं आप मुझे भिजवा देना। तो बस मैं यहाँ पर बना के तैयार करके अन्नू के लिए और मम्मी पापा के लिए भिजवा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि छोटे छोटे मेरा पूरा डन हो चुका है, छोटे पोर्शन में लेके उसको राउंड शेप देना है बॉल्स का। तो यहाँ पर सारे ही कोफ्ते मैं रेडी कर लूँगी और फिर जो इसकी तरी होगी उसको बनाने का, मसाला बनाने का भी सामान मैं हाथ ही के हाथ कर लूँगी। जितनी देर में मैं मीट बॉल्स बनाती ना उतनी देर में मेरा मसाला बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छा खासे क्वांटिटी में ऑयल लिया है और मैंने प्याज से तड़का लगा दिया, आप चाहो तो गरम मसालों से लगा सकते हैं। मैंने गरम मसाला जो है ना, लहसुन अदरक प्याज और गरम मसाला जो है ना वो मिक्सी में पीस लिया था। इससे ऐसा होता है ना, इससे क्या होता है कि बच्चों के मुंह में गरम मसाला नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने मसाला अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर अब ड्राई मसाले डालूंगी। ड्राई मसालों में वही होता है अपना हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर। तो बस यहाँ पर मैंने दो चम्मच, आज थोड़ा सा तेज़ हो गया मिर्चें, तो बस यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 चम्मच मिर्चें डाल ली थी, नमक डाला है हसबे जायका और फिर धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है ताकि कलर बहुत अच्छे से आए। अब बस इसको पानी डाल डाल के आपको बहुत अच्छे से भून लेना है। मेरा जो मसाला था ना वो इतने अच्छे से कम मैंने इसको 20 से 25 मिनट तक भुना है और मेरे मीट बॉल्स भी मैंने यहीं खड़े खड़े ही रेडी कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैं एक कटोरी के करीब पानी डाल दूंगी क्योंकि मुझे कोफ्ते अभी गलाने हैं। कई लोग कोफ्तों को तल के बनाते हैं बट वो बहुत टाइट हो जाता है और हम हमेशा कोफ्ते इसी में फ्राई नहीं करती हूँ, मैं इसी में पका लेती हूँ पानी डाल के। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करोगे तो आपके ना तो कोफ्ते कभी फटेंगे और ना ही बहुत टाइट होंगे, बहुत ही सॉफ्ट से और बढ़िया से कोफ्ते बन के तैयार हो जाते हैं। खसखस और चने ज़रूर ऐड कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप खसखस और चने ऐड नहीं कर रहे हो तो आप बेसन भी एक चम्मच डाल सकते हो, बट बेसन से इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है, मैं सब करके देख चुकी हूँ, इज़ द बेस्ट, चने और खसखस इज़ द बेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 3-4 विसल के बाद आप देख सकते हो माशाल्लाह से एक भी कोफ्ता मेरा जो है ना वो टूटा नहीं है। अब मैं इसके अंदर जो है ना फिर से भुनाई
नहीं करूँगी, गैस को मैं फुल फ्लेम पे कर दूँगी और इनको अच्छे तरीके से भूनूँगी ताकि ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दिया। अब इसके अंदर ऐसे इस तरीके के बुलबुले आ रहे हैं, ऑयल एकदम से सेपरेट हो जाएगा, भुना भुना आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं देख सकते हो आप ये कितने अच्छे कोफ्ते भुन चुके हैं मेरे और कोई भी कोफ्ता नहीं टूटा। ये कोफ्ते कम मुझे तो मंचूरियन बॉल्स ज़्यादा लग रहे हैं अभी। तो यहाँ पर मैंने कटा हुआ अदरक भी ऐड कर दिया था। अब मैं इसके अंदर तरी रखूँगी, जितनी हमें तरी खानी है उतनी आप इसके अंदर रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने 3 आलू काट के शामिल करे हैं क्योंकि बच्चों को आलू बहुत पसंद है, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर पानी अपने हिसाब से ऐड करूँगी। आप लोगों को जितनी तरी रखनी है रखिएगा, नहीं भी रखनी है तो भी कोई नहीं, इस तरीके के भी आप खा सकते हो, रेडी टू ईट है ये। इनके ऊपर हरा धनिया डालिए और इसको सर्व कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 3 बिग साइज़ के आलू लिए थे। आसिफ जी को इस शेप में आलू कटे हुए बड़े पसंद आते हैं, कोफ्ते आलू के सालन में, तो मैंने हस्बैंड का पूरा ध्यान रखते हुए उनको इस शेप में आलू काट दिए थे। तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से एक बार और चला रही हूँ और आप देख सकते हो कि मैंने कितने रफली तरीके से चला रही हूँ, लेकिन फिर भी कोफ्ता नहीं टूट रहा है। ये फेविकोल का मजबूत जोड़ वाले कोफ्ते हैं, टूटेंगे नहीं। तो बस यहाँ पर हमने इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। आलू आप अपने हिसाब से डालिएगा, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो आलू, इसमें आपकी बिल्कुल मंशा वाली बात है। अगर आपका मन है तो आप आलू ऐड करिएगा, अगर आपका मन नहीं है तो आप आलू बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। बस मैं यहाँ पर आलू जो है ना उस वो ज़्यादा आपको वो नहीं करने, सीटियाँ नहीं लगानी है, बस एक सीटी के बाद ही आप इसको प्रेशर में रहने दीजिएगा क्योंकि अभी के जो आलू है ना वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। अगर आप ज़्यादा वो करोगे तो आपका जो सालन है ना वो बिल्कुल ख़राब कर देंगे। तो बस इतनी तरी इसके अंदर इनफ थी, मैंने इसके अंदर 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया था तो मुझे इतनी तरी सही लग रही थी इसके अंदर। अब मैं इसके नमक और मिर्च चेक कर लूँगी तो सब कुछ बहुत बढ़िया था। मैं इसको एक विसल के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके कि हमारा आलू कोफ्ते का सालन कैसा बना है। और थोड़ा सा पानी की मुझे फिर से कमी लगी क्योंकि गोश्त जो है ना थोड़ी देर बाद जो होता है वो थोड़ा सा ना गाढ़ा सा हो जाता है हैवी। तो यहाँ पर कुछ इस शेप में निकल कर आए थे हमारे आलू और कोफ्तों का सालन जो कि बहुत ही यमी था। अच्छा, जब भी नॉनवेज बने तो बच्चों को यही है कि मम्मा हो नान रोटी खानी है, हालांकि मैंने तो आटा गूंद के रख लिया था बट फिर भी उनको नान रोटी खानी थी। तो यहाँ पर हस्बैंड अपने लिए खाना, मैं ही उनके लिए तरी का सालन निकाल रही हूँ। तो जो उसमें हड्डियाँ आती ना वो भी मैं भुनते वक्त ही ऐड कर देती हूँ जो कीमे के अंदर आते हैं, तो वो भी अच्छे से गल जाती हैं। और यहाँ पर देखो बच्चों ने बस आलू ही निकलवाया है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स डाले हैं, ऐड करे हैं। आपको कैसा लगा आलू कीमा का वो आलू और कोफ्तों का सालन मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा जी, तो ये आज सुबह का ही टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं सुबह सुबह ही इनायत के बूट पॉलिश कर रही हूँ क्योंकि आज इनायत की लाइफ में बहुत बड़ा दिन है। इनायत आज हेड गर्ल बनी है जो कि उनके स्कूल में आज दिवाली फेस्टिवल चल रहा है, तो दिवाली फेस्टिवल के ओकेजन पे इनायत को वेल ड्रेस होना था। पहले तो वो रामलीला में, मैंने आपको जैसे पहले वाली वीडियोस में भी बताया था कि इनायत पार्टिसिपेट कर रही हैं, बट इनायत को वहाँ से भी निकाल दिया था। फिर इनायत डायलॉग्स कर रही थी, इनायत को वहाँ से भी निकाल दिया था, बहुत जगहों से निकालने के बाद फाइनली कल का दिन मेरे बच्चे का बहुत अच्छा बीता। कल वो आई और प्रिंसिपल मैम ने बोला कि इनायत से बोलना वो फादर को और प्रिंसिपल मैम को, यानी कि मुझे अटेंड करेगी, फ्लावर बुके देखे हमारा वेलकम जो है वो इनायत ही करेंगी। तो इनायत वाज वेरी हैप्पी कि मम्मा मैं बहुत हैप्पी हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं हेड गर्ल बनी हूँ। और पता है सारे बच्चे बोल रहे हो रही और तू तो फेमस हो जाएगी। तो बस उसकी बातें सुन सुन के मेरा एक महीने से तो मेरा दिमाग उसने वैसे ही ख़राब कर रखा था, डायलॉग्स पूरे रटे हुए हैं उसको प्ले के, रामलीला का प्ले कर रही थी वो, तो पूरे डायलॉग्स भी उसने रट लिए थे, संस्कृत के श्लोक भी रट लिए थे। बट कोई नहीं, उसका फिर ऐसा हो गया कि उसको हेड गर्ल बना दिया गया है। तो आज जो है ना इनायत का जो टिफ़िन पैक हो रहा है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इस तरीके का लंच बॉक्स अपने बच्चे को पैक करके दें। बट हमें स्कूल से नोटिस आया था कि आज है पार्टी, तो पार्टी आइटम्स लेकर आने हैं। तो इनायत ने बोला था मम्मा मुझे मैगी आई है, तो मुझे मैगी लेकर आनी है। फिर स्नैक्स थे, तो बस आज
प्रॉपर इन लोगों की पार्टी होगी, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल है ना, तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था कि हम भी दिवाली में बहुत हैप्पी होते थे और कुछ ना कुछ करते थे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं मैगी बना दूँगी। मैगी बनाने के बाद मैंने चिप्स वगैरह जो वेफ़र्स उसने बोले थे वो सब भी मैंने मंगा दिए हैं। मतलब मंगा क्या दिए हैं, आप लोगों को पता होगा मेरे पापा जो है ना वो डेली बच्चों के लिए चिड़ियाँ लेकर आते हैं, तो इनायत कलेक्ट कर रही थी अपनी चिड़ियाँ। वो इतनी समझदार है, वो कहती मम्मा नहीं ज़्यादा आप ना खर्चा मत करो, ये सब मैं अपनी चिड़ियाँ उठा के रखूँ। तो ये पापा ही लेकर आए थे, यानी कि इनायत के नानू और मेरे पापा, तो वो सब उसने 3 दिन से इकट्ठे कर रखे थे। और ये रियल फ्रूट जूस वही है जो कि अभी आसिफ जी को जो दिवाली गिफ्ट मिला था ना वो सब। तो यहाँ पर मैंने एक पॉट जो है ना इनायत का डेकोरेशन भी है, तो ये पॉट उसको लेके जाना है स्कूल के अंदर, इसको डेकोरेट करेगी। तो कलर मैंने कर दिया था, मैंने कहा वहाँ पर आपके सारे कपड़े वगैरह गंदे हो जाएंगे, कलर करा हुआ पॉट ले जाओ आप और वहाँ पर डेकोरेशन कर लेना। तो बस अब यहाँ पर सुबह का ही टाइम है, मैं बैठ के चाय बिस्किट अपने इन्जॉय कर रही हूँ। इनायत पूरी तरीके से मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया है, बैग भी पैक हो चुके हैं, बस अब वेट हो रहा है रिक्शे वाले का। और जैसे ही रिक्शे वाला आ जाता है वैसे ही मैं इनायत को भेज दूँगी स्कूल। और आज है 21 अक्टूबर, तो बस 20 अक्टूबर को मेरी सब्सक्राइबर रेशमा जी की थी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तो आप लोग खुश रहिए, आपका जोड़ा सलामत रहे, अल्लाह ताला आपकी गोद जल्द से जल्द भर दे, और बस बहुत ढेर सारी दुआएं आपने कहा था अभी आप मेरा नाम लेके दुआ भी कीजिएगा और नाम भी बताइएगा। तो रेशमा जी मैंने आपको खुश कर दिया, और आज 21 अक्टूबर को भी शायद किसी सब्सक्राइबर की वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझे उनका नाम तो याद नहीं है डियर, बट आप जो भी आपने कमेंट बॉक्स में बोला था अभी हमें वेडिंग एनिवर्सरी विश कर दीजिएगा। तो मेरी तरफ से आपको शादी की सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो। और मैं यहाँ पर इनायत को समझा रही थी कि आपको कैसे डेकोरेशन करना है, तो बस उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी, फिर मैंने कहा बेटा ऐसा है जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करना। रात ही मैं डेकोरेशन का सामान भी लेकर आई थी, क्योंकि भाई बच्चों के साथ फेस्टिवल हो चाहे कुछ भी हो, स्कूल में कुछ भी होता है तो पेरेंट्स की तो वाट लग जाती है, रोज़ का कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मतलब बस बता नहीं सकती। और अल्फिया तो गाइस आज मेरे नायतु जो है वो बड़ी हैप्पी है, नायत मार्क तो हटाओ बेटा, इनायत बहुत हैप्पी है क्योंकि इनायत बनी आज हेड गर्ल जो रिसीव करेगी फादर को और अपने प्रिंसिपल को आज फ्लावर्स वाला बुके देके। मैं इनायत यस हैप्पी, आज दिवाली कंपटीशन भी है, दिया कंपटीशन है, और इनायत की आज पार्टी भी है, स्नैक्स पार्टी फेयर भी है। चलो जी, ऑल द बेस्ट इनायत, अच्छे से करिएगा, नहीं वो वाले हैंड से आप करो, मम्मा इस वाले हैंड से करेगी। ऑल द बेस्ट, चलो जी।